हेलो अमित, दिस इज यू। थोड़ा बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ यार। ये हमारे निफ्टी निफ्टी में फर्स्ट कैंडल देखो ओपन इक्वल टू हाई। जैसे ही ये कैंडल गिरा फर्स्ट 15 मिनट के बाद स्ट्रेट निफ्टी नीचे आया है और हमने शॉर्ट बहुत नीचे किया है, मतलब 100 के नीचे। मैं चाहता था कि मार्केट और नीचे जाए लेकिन नहीं गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ओके, इन इन निफ्टी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है, मैंने बोला था 650 के नीचे, तो अगले 5 मिनट में आपको 100 पॉइंट का रैली मिला होगा। 5 मिनट में 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आपका ट्रेड बुक होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में हमारा प्रॉफिट हुआ है, निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर अगर बाद में आपने 900 के ऊपर यहाँ पे बाय किया होगा तो 900 के ऊपर भी आपको ये अच्छा टारगेट मिला होगा। मैंने आपको बोला भी था कि 900 को अगर ब्रेक करता है तो 44,000 तो जरूर जाएगा, ठीक है। तो वहां पे 100 पॉइंट का रैली आपको मिला होगा। तो बैंक निफ्टी में 2 टारगेट हमारे हिट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेड ऑन फ्राइडे। अभी देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। मैंने आपको क्लियरली बोला है कि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी का अगर ये कैंडल देखते हो डेली वाला तो आपको पता चल जाएगा कितना स्ट्रॉन्गली वर्क हो रहा है। दिस इज हैमर, ठीक है। और निफ्टी में भी बना ये हैमर लाइक कैंडल। तो हैमर लाइक कैंडल तो मंडे के लिए ट्रेड बहुत बहुत आसान होगा। अभी इस हैमर कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं 15 मिनट में मंडे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये रही हमारे निफ्टी। अभी देखो निफ्टी में क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया स्ट्रेट, उसके बाद उसका रिवर्सल हमें देखने को मिला। फिर से बेयर ने ट्राई किया नीचे जाने के लिए लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर से उसका रिवर्सल बना और ये आज का हाई जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल था उसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया। तो अभी ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत देता है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। और जो आरबीआई डिविडेंड देता है गवर्नमेंट को वो था अराउंड, वो एक्सपेक्टेड था 48,000 करोड़ के आसपास, लेकिन आरबीआई ने दिया अराउंड 87,000 करोड़ प्लस डिविडेंड। तो दिस इज वेरी गुड थिंग, डिविडेंड डबल दे चुके, दैट मीन्स एवरीथिंग इज वेरी गुड और मार्केट में बूस्ट आ सकता है। तो अगर मंडे में मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होकर ऊपर जाता है तो सीधा इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो आपको मैं लिख देता हूं 18,250 के ऊपर हम बाय करेंगे निफ्टी को। यहाँ पे 18,250 मतलब इस लेवल के ऊपर, अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाता है तो बाय कर लेंगे, अदरवाइज गैप अप होता है नीचे आता है इस लेवल के आसपास मतलब इस क्लोज के आसपास अगर सपोर्ट लेता है फिर इसे ऊपर जाता है तो 18,250 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। अंडरस्टूड, कहाँ बाय करेंगे निफ्टी में? वेरी गुड। शॉर्ट अभी देखो, शॉर्ट तभी करेंगे जब ये दो लेवल हमें ब्रेक हो जाए, जब ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाएंगे। अभी ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अभी यहाँ पे नीचे अगर आता है तो कहीं से भी वो रिट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो ट्रेड लेना भी है तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब 18,080 के नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा सपोर्ट होगा 18,000 का। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो आपको पता चल गया कि निफ्टी में बाय कहां करना है, 50 के ऊपर, शॉर्ट करना है 18,080 के नीचे और बाय करना है 18,250 के ऊपर। ओके, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या करेंगे। बैंक निफ्टी में भी हैमर लाइक कैंडल बना है तो उसको अगर उसने हाई ब्रेक किया तो वो ऊपर जाएगा। मैंने आपको क्लियरली बोला है बैंक निफ्टी ने क्या किया है, 44,000 टच किया है, सेकेंड टाइम टच किया है। अब ये थर्ड टाइम अगर सस्टेनेबल मूव आता है तो ये पूरा ऊपर जाए सीधा 244,250 जाएगा। तो अभी देखो कल अगर मार्केट ओपन होता है सीधा ऊपर निकलता है तो अगर जिनको रिस्क लेना है तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, मतलब 44,060 के ऊपर बाय करो, 44,060 के ऊपर बाय कर सकते हो। और जिनको सेफ बाय करना है वो 44,120 के ऊपर बाय करेंगे। आपका टारगेट होगा 200-250, मतलब 44,200 और 44,250 के आसपास मार्केट जरूर जाएगा। वहां से एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, अगर नहीं हुआ वहां पे अगर ब्रेक करता है तो लाइफ टाइम हाई उसने ब्रेक किया है तो ऊपर कितना जा सकता है अराउंड 44,500, इतना भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। बिकॉज दिस मूव इज वेरी गुड मूव, अगर उसको ऊपर जाना है तो यही मूव चाहिए था मार्केट में। अगर कल इस तरह का कोई मूवमेंट बनता है और फिर ऊपर जाता है तभी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो कप बना है उसके बाद हैंडल बन जाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो अंडरस्टूड, बाय कहाँ पे करना है, जिसको रिस्की बाय करना है वो
44060 के ऊपर बाय कर सकते हैं, जिसको सेफ बाय करना है वो 44120 के ऊपर बाय करेगा बैंक निफ्टी को। और अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है वेरी हार्ड, अभी ये जो मूवमेंट बना है इसमें से कई भी सपोर्ट वो ले सकता है, तो अभी इस लेवल तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर फिर से हमें शॉर्ट करना भी है तो मैंने आपको क्लियरली बोला है 700 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, तो फिर अगर शॉर्ट करना है तो 700 के नीचे यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करेंगे। मतलब 4, 3, 6, 9, 0 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। अंडरस्टूड? कहाँ पे शॉर्ट करेंगे, कहाँ पे बाय करेंगे? Perfect. I hope you understood how to trade in Nifty and Bank Nifty on Monday. And if you're watching our videos and you are getting profits from our levels, then you can like our video and share with your friends and family, so they will also get benefit from it. And you can subscribe our channels and click on the bell icon. Do that so when we will post our next videos, you will get the notification of it. So I guess that's all for today. Again, I'm Akshaton. This is UCapital. Let's meet in the next session. Till then, happy trading.